और जिक्र उत्तर प्रदेश का, विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है और खबर यह है कि पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य के लिए नई टीम बनाने की बात कही है। इस टीम में कौन कौन लोग होंगे, इस पर प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई मेरे सहयोगी राजीव प्रताप सिंह की। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य जी, जो अध्यक्ष बनने के बाद यूपी दौरे पर थे और आज राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। ऐसे में हम इनसे बात करेंगे और बेनी की बात है सपा में जाने की, उससे पहले भाजपा में आने की कवायद चल रही थी, तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी ने देरी की जिसके चलते वहाँ गए? मुझे लगता था कि बेनी जी की भाजपा में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी और वो जहाँ थे वहाँ पहुँच गए हैं, और कांग्रेस और सपा और बसपा में मैं कोई अंतर नहीं समझता, ये सब एक हैं भ्रष्टाचार के मामले में। जी, 2017 का जो जंग है वो जारी हो चुकी है, जो सारे कार्यक्रम है वो जारी है, लेकिन अब तक बीजेपी यूपी की नई टीम का गठन नहीं हुआ, तो वो कब तक होगा? देखिए, बीजेपी यूपी की टीम के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मई अंत तक प्रदेश की टीम भी आ जाए और तेजी से जो संगठनात्मक काम है वो हमारा हो रहा है और उसको लेकर के जो समाजवादी पार्टी सरकार का कुशासन है, गुंडागर्दी है, कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने की स्थिति है, इसके खिलाफ हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह जो संगठन की बात की जा रही थी उसमें ये पहले कहा गया था कि जो संगठन में लोग रहेंगे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ऐसे में क्या जो पहली सूची है वो भी जारी की जाएगी, इस पर क्या अभी भी बीजेपी शीर्ष कमान कायम है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जिन्हें काम करना है, देखिए उनको संगठन का काम करना पड़ेगा, इसलिए जो संगठन का काम करने के लिए निश्चित किए जा रहे हैं वो चुनाव नहीं लड़ने वाले लोग ही हों, इसका पार्टी निश्चित तौर से विचार कर रही है और गंभीरता से विचार कर रही है और इस बात को ध्यान में रख करके ही आगे की रणनीति बन रही है और सूची भी जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है हम उसे जारी करने का काम करेंगे। हमारी तैयारियां पूरी हैं, हमारे बूथ का गठन हो चुका है, हमारी अन्य योजनाएं सब अंतिम रूप दिया जाने का काम किया जा रहा है और हम 2017 के चुनाव की दृष्टि से मतलब सपा बसपा इन दोनों से बहुत आगे हैं। जो यूपी बीजेपी की नई टीम है उनमें उन्हीं लोगों को जगह मिलेगी जो संगठन में रहना चाहते हैं, न कि चुनाव लड़ना। कैमरामैन उपेंद्र वर्मा के साथ राजीव प्रताप सिंह, समाचार प्लस, लखनऊ।